हेलो दोस्तों, कबूतर और मधुमक्खी की कहानी। एक जंगल में नदी किनारे पेड़ पर एक कबूतर रहता था। उस पेड़ के आसपास कई रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक दिन एक मधुमक्खी फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए नदी किनारे आई और रस इकट्ठा करते करते अचानक नदी में गिर गई। मधुमक्खी बाहर निकलने के लिए पंख फरफराने लगी। नदी गहरी थी, लाख कोशिश के बावजूद मधुमक्खी बाहर नहीं निकल पाई। पास ही पेड़ पर एक कबूतर बैठा यह सारा दृश्य देख रहा था। उसे मधुमक्खी पर दया आई और उसने झट से पेड़ का एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चर गई और पत्ते में बैठे बैठे नदी के किनारे पर सुरक्षित पहुंच गई। उसने अपना जीवन बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद किया और उसने वचन दिया कि जब भी अवसर आएगा वह उसके उपकार का बदला अवश्य चुकाएगी। वह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कबूतर दाना खोजने जंगल में निकला। दिन भर दाना खोजने के बाद वह एक पेड़ पर सुस्ताने बैठा। वह इस बात से अनजान था कि एक शिकारी उस पर तीर कमान से निशाना साध रहा है। उसी पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी की नजर शिकारी पर पड़ गई और वह समझ गई कि शिकारी कबूतर का शिकार करने वाला है। बिना समय गवाए उसने अपनी साथी मधुमक्खियों के साथ मिलकर शिकारी पर धावा कर दिया और उसे डंक मारने लगी। शिकारी तीर कमान छोड़कर भाग गया। इस प्रकार मधुमक्खियों ने कबूतर के उपकार का बदलाव चुकाया। कबूतर मधुमक्खी की मदद पर बहुत खुश था। उस दिन से कबूतर और मधुमक्खी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हमें दूसरों की मदद करेंगे तभी वक्त आने पर हमें मदद प्राप्त होगी।